वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेडिकल टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी प्रिकॉशंस वगैरह, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन केस अगर आपका मेडिकल टेस्ट रिजेक्ट हो जाता है तो तब आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके मेडिकल टेस्ट में रिजेक्शन आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ स्टेप्स करके अपने केस को दोबारा प्रोसेस करवा सकते हैं। नंबर वन, रीज़न समझने की कोशिश करें, मेडिकल सेंटर या वीज़ा एप्लीकेशन अथॉरिटी से पूछें कि रिजेक्शन की वजह क्या थी। अक्सर रिजेक्शन की वजह सीरियस हेल्थ कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल टीबी, एचआईवी, हेपेटाइटिस वगैरह, या टेस्ट इनकम्प्लीट होने की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर से मशवरा लीजिए, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर कोई क्यूरेबल डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल टीबी, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और उसका प्रूफ रखें, फिर तीसरी बार दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाना। ट्रीटमेंट के बाद अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से दोबारा टेस्ट करवाएं, इंश्योर करें कि इस बार सारे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, फिर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, अपने ट्रीटमेंट का प्रूफ, डॉक्टर का सर्टिफिकेट और अपडेटेड मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करें। ये डॉक्यूमेंट्स वीज़ा अथॉरिटी को सबमिट करें, अगर ज़रूरत हो तो अपील या रीअप्लाई करें। कहीं कई केसेस में आप वीज़ा डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अगर अपील का ऑप्शन ना हो तो ट्रीटमेंट के बाद दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करें। टेम्परेरी डिस्क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखें, कई मेडिकल कंडीशन सिर्फ टेम्परेरीली डिस्क्वालीफाई करती हैं, फॉर एग्जांपल टीबी ट्रीटमेंट के बाद क्लियरेंस मिल जाता है। इंश्योर करें कि आपका मेडिकल स्टेटस टाइम पर अपडेट हो, फिर वीज़ा कंसल्टेंट से मदद लीजिए। प्रोफेशनल वीज़ा कंसल्टेंट या लायर से मशवरा करें अगर केस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। रिएक्शन के बाद पेशेंस और डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, करेक्टिव मेजर्स लेकर दोबारा ट्राई करें और इंश्योर करें कि सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। तो ये थी हमारी, अगर इन केस आपका वीज़ा मेडिकल टेस्ट है रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे, तब तक के लिए।